अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी सबाहत रियाज। आप लोग देख रहे हैं सादी रियाज यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग भी खैर के लिए जाएंगे, फिट फाट होंगे अपने अपने घरों पे, कि मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर के लिए से हैं। ठीक है, रात को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन कल सादी का एनुअल रिजल्ट है, मतलब इवनिंग में, कल इवनिंग में सादी का रिजल्ट है। मतलब 6:30 स्टार्ट होएगा और एंड कब होगा ये हमें नहीं पता, पता है कि एंड कब होगा, क्योंकि जल्दी देर वो सब वहाँ जाके पता चलेगा। तो आप एंड तक व्लॉग देखिएगा, मज़ा काफ़ी आने वाला है। ठीक है, तो एंड तक व्लॉग देख के एंजॉय करें, उसमें पोजीशन भी पता चलेगी कि शादी की पोजीशन क्या है। मतलब वैसे तो मुझे पता है मेरी बहन अच्छा पढ़ती है, बट उसको इतनी एक्साइटमेंट है अपने रिजल्ट की, मुझे भी नहीं पता कि क्या है सादिया का रिजल्ट। तो मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे भी जब भी पता चलेगा और आप लोगों को भी जब भी पता चलेगा वीडियो में, तो इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा और ब्लॉग का इंजॉय करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल से सारी चीज़ें दिखाऊँगी। सादी के डांस परफॉर्मेंस भी है, पिक्चर्स क्लिक करेंगे दो चार अगर हुई तो। खैर मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं हो पाएंगी पिक्चर्स क्लिक, क्योंकि सादिया जैसे कह रही है कि टीचर ने कहा है कि आप लोग सीधा क्लास में आएंगे और हम लोग बैठेंगे वहाँ पे जब पेरेंट्स की जगह होगी। ठीक है, यह हद्दू के व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है। तो बस अभी चलते हैं। शेख और आप की एक शर्त लगी है, शर्त क्या हम लोग गए थे, मैं आगे आपको सारा डिफाइन करूँगा, मैं तो सारा इस व्लॉग में अभी बताऊँगी। इसका ये शर्ट लगी है तो अनुषा आपको बताइए, आप ये गौर से सुने, उसके बाद जब बाबा आके गलत या सही का फैसला कर देंगे फिर मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, वही देखें, आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करें, जिसने अभी तक नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दे, सादिया रियाज चैनल को। ठीक है, तैयारी की है वो दिखाऊँगी, जो रोम पर आई है और शूज चाहिए वो दिखाऊंगी, बस उसके बाद हम आपको मिलेंगे कल। तो अभी सब कुछ दिखाती हूँ, डोंट वरी, सब कुछ दिखाऊंगी, तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहना। ओके, मैं आप ही और मेरी शर्त लगी है अभी, उस बात में अगर आप ही ठीक हुई तो आप ही मुझे 50 रुपये दे। वैसे हो तो 100 की बात नहीं थी, लेकिन मेरे वाला 50, आप ही मुझे 50 रुपये देगी। और अगर मैं सही हुई फिंगर चिप मंगवा कर, और अगर आप ही सही हुई तो मैं आप ही को 50 रुपये दूंगी। हम दोनों में से जो सही होगा वही दूसरे को 50 रुपये देगा। ये सही है, जो गलत होगा। और वजह ये है कि नीरा मेरी जो है वो हम, वजह आपको उसी बार ब्लॉग में पता लग जाएगी जब डिस्कशन हो रही होगी। आप हार चुकी हो शर्ट जो अभी लगाई गई थी, आप पैसे निकाल दो, बाबा ने कर दिया फैसला। बात सुनो, गलत आप ही भी थी, गलत नहीं थी। नहीं, आप ही बिल्कुल सही थी, वो नथिया गली गई थी, जिस वजह से अनुषा कशफा पे डर थे उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वजह ये थी कि हम लोग जब पाकिस्तान टूर पे गए थे, जिसकी वीडियो और तस्वीरें आपने शॉर्ट्स पे भी देखी होंगी, हम कजन्स की, हम गए थे पाकिस्तान टूर पे। तो हम लोग जो है ना, हम पाकिस्तान टूर जब जा रहे थे ना, तो हम चाइना मतलब क्या घूम के आए थे अपन, स्पीड चनासी से आए थे हम लोग। नीना मेरी का रास्ता खराब नहीं था, बिल्कुल सही था, क्योंकि बारिश होनी हमने भी समझी खराब है। ठीक है, तो वरना हम जाते और हमारे ड्राइवर ने ही हमारे साथ किया था कि उसने किसी को कहा था कि आप बोल रहे ना कि नथी कर, मतलब नीना मेरी का रास्ता खराब है इसलिए। ठीक है, बहुत ही खराब ड्राइवर था इसलिए। तो खैर हो गया था पाकिस्तान टूर, हमने उसका लाफिस कर दिया पिंडी से फिर। और फिर तो यही भैंस चल रही थी कि मतलब यही शर्त लगाई थी उन्होंने कि पापा आके डिसाइड करेंगे, क्योंकि पापा का एनुअल रिजल्ट डे है। ठीक है, रिजल्ट डे है सादिया का, पूरे 1 मंथ लगाए इसके स्कूल वाले ने पेपर चेक करने में और रिजल्ट बनाने में। ठीक है, तो खैर कल मैं मम्मा जा और बाबा हम लोग जाएंगे, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं ब्लॉग के लिए जाऊँगी, कल का ब्लॉग नहीं हो सर। तो अभी सादिया अपने लिए जॉगर्स भी लाई और अब इसके स्कूल आने का आता है, इस बार रोमपल पहनेंगे बच्चे। तो इस स्टेज पर खड़े होने के लिए हमने इसके इतनी महंगी शॉपिंग कराई है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हालांकि ड्रेस में जाएगी वहाँ से, फिर ये अपना चेंज करेगी ड्रेस। ठीक है, जो ये लेके जाएगी, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा ना दिखाओ ना, अरे एनुअल डे के लिए हमने आपकी इतनी शॉपिंग किया आपने। हाँ दिखाओ, दो मिनट दिखाओ, हाथ में दो मिनट।
दी ना दी, दो मिनट दिखाओ ना ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है पहले मैं ये पैक कर दूं, मौका मिलेगा। ये गाना मुझे समझ ही नहीं आया सर जता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। जिसने गाया ना मुझे वो भी समझ नहीं आया, ये गाना भी समझ नहीं आया मुझे। क्या कर दिए? मौका मिले चलो भाई जल्दी से अंपायर दिखाओ, मेरी ऑडियंस बहुत इंतजार कर रही है। ये शर्ट थे और फिर हम जी जी बाजी जी जी आप बहुत खर्चा करवाती हैं इन्हों में पता है। इसके ऊपर ये फर्स्ट टाइम नोमपर पहनेगी ना, नोमपर नहीं पहनाते था हर चीज़ें मम्मा ने इसे पहनाई है, बट रोमपर हमें इतना अच्छा नहीं लगता था तो इस वजह से। अब इसके इसको द्वारा ने कहा परफॉर्मेंस में रोमपर ही चलेगा तो हमने रोमपर ही रख के दिया। हाँ ऐसे बट ये अंदर होगी उसके ऊपर ये पहनी जाएगी। कल इंटर का सेकंड लास्ट पेपर है, तो एक की तो डेट ही नहीं आई है ना अभी, अगर आई भी है तो 10 जून आई है ना, है ना भाई? मेरे तो सही लास्ट ही है। हाँ तो मैंने सही कहा ना। हाँ और करूँगी सबके साथ, ठीक है? तो नाम नहीं बताऊँगी फिर उन्हें पता चल जाएगा, फिर वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करेंगे उस टाइम, ठीक है? तो एक दिन प्रैंक कॉल करेंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो सिर्फ एक में इतना मज़ा आया, ठीक है? और शादी कल के लिए तैयारी अपनी पकड़े रखो, फिर अपन कल चलेंगे, ठीक है? मिलते हैं आपसे कल ही। ड्रेसिंग हमने आपको शादी की दिखा दिया, अब हम कल ही अब हम ड्रेसिंग के पार्ट मिल रहे हैं, अब हम आपको सुबह नाश्ते में मिलेंगे, तो बाय। द नेक्स्ट डे गाइज आ चुकी हूँ मैं तैयार होकर। जैसे कि आपको पता है कि शादी का आज एनुअल रिजल्ट है, 3 जून को इवनिंग में होता है रिजल्ट भी अनाउंस, तो इसलिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। फैमिली मतलब मेरी मम्मा और शादी और बाबा हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम लोग चलते हैं और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं जो जो चीज़ें दिखा जाएगी, क्योंकि कोई रूल्स होते हैं स्कूल के भी, ठीक है? तो क्या अभी तो शादी ड्रेस में जाएगी, उन्होंने कहा था ड्रेस में लेके आएंगे बच्चे को, तो इसका जो ये चेंज करेगी ना ड्रेस परफॉर्मेंस के टाइम, तो वो इसका हैंड करके दे देंगे इसको, है ना? और अभी बोल रहे हैं 5:40, ठीक है? और हमें शादियों को 6 बजे स्कूल में करना है, मतलब 6 बजे उन्होंने कहा था स्कूल में होने चाहिए। बस अब सब जल्द से चलते हैं, शादियों को भी दिखा दीजिए हमें, ठीक है? शादी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नर्वस हो, एक्साइटमेंट भी है ना कि क्या आओगी? मतलब प्रिंसिपल को ये सिस्टर्स कहते हैं, तो इसलिए अब ये हमने इसका हैंड दिखाओ तो हमें हाँ, जो मैंने आपको कल दिखाई थी ना इसका रोमपर वो शूज, तो वो ये रहे, वो ये रहे। इस पर मैंने इसका नाम भी दिखाया, मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि इसकी टीचर ने कहा था कि नाम लिख के दिएगा फादर नेम के साथ, क्योंकि शादियाँ तो बहुत सारी हुई हैं इसके स्कूल में, तो इस वजह से मैंने नाम लिखा फादर। उन्होंने कहा था कि फादर नेम लाजमी लिखिए, मैंने लिख दिया। अब हम चलते हैं, ठीक है? खोले बस हम तैयार हैं, मैं अपनी सैंडल निकालूँ वो पहनूँ फिर चलते हैं, मतलब कि अभी चलते हैं और मैं आपको वहाँ जाके मिलती हूँ, ठीक है? तो गाइज हम लोग पहुँच चुके थे और सादिया जा चुकी थी अपनी क्लास में और हम मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ ये चेयर्स लगी हुई थी और ये सामने सजा हुआ था जहाँ पे रिजल्ट मतलब दिया जाएगा, और ये सादिया का स्कूल है, ठीक है? तो जो दिखा सकी वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो ये इन्होंने सजाया हुआ, ये इतने प्यारा लग रहा था, ये जो इन्होंने लिखा हुआ अच्छा सजाया हुआ था, ठीक है? तो फिर मैं बैठी हुई क्योंकि मैं क्या करती
फिर मैंने कहा आप लोगों को इसका पूरा स्कूल दिखाती हूँ, ये देखें, ये पूरा तो नहीं, मतलब बिल्डिंग दिख रही है इसकी, ये स्कूल, ठीक है। इसके ग्राउंड में रिजल्ट था, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये मिक्की माउस आ गया था, फिर हर बच्चे, इतने इतने से बच्चे, मिक्की माउस, फिर ये मिक्की माउस आया था। फिर ये जो शादी के स्कूल के प्रिंसिपल थे वो आ रहे थे, तो मैंने की बनाई, ये शादी के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो ये आ रही थी। फिर जल्द से प्रोग्राम शुरू होता, क्योंकि कोई 6:45 हो गए थे, इतनी देर हो गई थी, मगर प्रोग्राम शुरू नहीं होता। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद ये एंट्री हुई बच्चों की, मतलब शादिया वालों की, कि आप पहचानेंगे इसमें से शादिया कौन है, ठीक है। तो फिर इनकी एंट्री हुई, जो काफ़ी अच्छी लग रहे थे ये इस चीज़ में, जो इन्होंने ग्रेजुएशन का ड्रेस वेयर किया हुआ था। फिर ये सारे लाइन तारीफ से जा रहे थे, कितनी अच्छी तरीके से सारे बच्चे जा रहे थे, ये बच्चा तालियां बजा रहे, इतना अच्छा रहता। फिर ये सारे जाके खड़े हो गए थे, अभी देखिएगा आप, मैं दिखाऊंगी, ये सारे इतनी प्रॉपर जाके खड़े हो रहे थे कि एक भी कहीं नहीं देखे, सीधे लाइन जाके सीधे ये लोग खड़े हो रहे थे, गुड, ठीक है। फिर ये सारे हम पाक सर ज़मीन के लिए खड़े होते, क्योंकि उन्होंने कहा था नेशनल एंथम होगा, तो ये बच्चे आए भी सीधे थे, नेशनल एंथम हुआ, ये देखें सारे खड़े हैं, ये देखें सारे पेरेंट्स सबको खड़ा किया था कि नेशनल एंथम हो रहा है, बच्चे भी खड़े हो गए थे, वो तो खड़े हुए थे। फिर ये सारे लाइन तारी से अपनी क्लास में जा रहे थे, क्योंकि फिर इन्हें आना था परफॉर्मेंस तीन लोगों की, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह जा रही है, ये देखें, जिसमें सादिया की कैप ही गिर गई थी, सादिया भाग रही थी, उसकी कैप गिर गई। फिर ये नर्सरी क्लास की एक परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जो है नर्सरी के कुछ बच्चे केजी के जो बच्चे थे वो अपनी टीचर्स के साथ आके मैम को फ्लावर दे के गए, देखें आप, मैम को फ्लावर दे के गए, जो काफ़ी अच्छी रही है बात, मुझे क्या, इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे, ठीक है। फिर ये इंट्री हो रही थी बच्चों की, जैसे कि पोजिशन अनाउंस होने का टाइम था, तो इस वजह से सारे आ रहे थे एक एक करके, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मतलब क्या, ये टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे जब इनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, और हम गए कब थे वो आपने देखा होगा कि टाइमिंग मैंने बताई थी, इतनी लेट हो गया था शादियों का रिज़ल्ट, 9 बज रहे थे, और इतना सारा बच्चे अभी अनाउंस होगा रिज़ल्ट, तो आप देखिएगा। महानूर डॉटर ऑफ मोहम्मद जहीर। फिर ये सारे बच्चों को जो है रिजल्ट देके खड़ा किया था, जो काफी अच्छे रह रहे थे सारे बच्चे। फिर ये लाइन तारीख से अपने अपने क्लासेस में चले गए थे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस थी अगली शादी भी जाई थी, बट इसका रिजल्ट अभी तक नहीं देखा था, इतनी रात हो गई थी और मुझे इतना थक गई थी, मुझे मैं गई थी मगर मुझे नहीं पता था कि इतनी देर होगी। सबसे अच्छा ये लगा कि इतनी अच्छी तरह इन्होंने सेटअप किया हुआ था, ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि इतनी बोर हो गई थी, एक तो मैं अकेली थी और मम्मा पापा थे, और उसके बाद इतनी देर हो गई थी। फिर पोएम चलाई हुई थी उन्होंने, मैं वही गाने लग गई, मतलब पोएम ही पढ़ने लग गई, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, बहुत देर। उसके बावजूद भी अब जब हम आए थे, जब भी कुछ बच्चों के रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे, ठीक है। फिर कुछ देर बाद शादिया की, मतलब डांस परफॉर्मेंस का वक्त है, देखें ये शादिया जा रही हैं, सारे इतने प्यारे रहे थे। Yeah.
गई सारी इस तरह भाग रही थी, फिर मैंने कहा शुक्र इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया था, वो आप आगे देखेंगे क्या है। A few moments later इसका रिजल्ट आ गया, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इसका, आप मुझे पता चल चुका है, आप लोग पूरा ब्लॉग देख रही हैंगा, ठीक है। कुछ कुछ आइडिया थंबनेल से आपको हो जाएगा, अगर नहीं हो पाए तो ब्लॉग देखें पूरा मेरा, जाके मेरे चैनल पे है, और काफ़ी अच्छा ब्लॉग मैंने आप सब कुछ दिखाया है इस ब्लॉग में, ठीक है। पूछते हैं कि इसको इसकी इतनी अच्छी पोजीशन आई है, फर्स्ट पोजीशन, तो इसको कैसा लगा, इससे ये पूछते हैं। इधर आओ, कैसा लगा आपकी इतनी अच्छी पोजीशन आई, आपको यकीन था? रहता दिन अच्छा, दिल बहुत ज़्यादा ढक ढक कर रहा था, हमारी पिक्चर्स चली थी। कैस खुशी होती है कि हम आगे जा रहे हैं, पागल पेपर वाले दिन होती हुई, तो मैंने कहा मतलब हम सब डर गए, हम लोग, हमने कहा क्या हुआ, लगी है या पेपर सही नहीं है, तो कहती है मेरी केजी क्लास ख़त्म हो गई, फिर हमने कहा ये तो वाकई हुआ, आगे भी ऐसे ही दिल लगा के पढ़ना है, तो आउट फील हुआ ना जब नाम लिया गया, वाह। मेहनत करनी है ना हमेशा, हमेशा फर्स्ट आना ही है ना, अभी तो दो ही क्लास हुई है ना, नर्सरी और केजी, इंशाल्लाह कर दिए। इधर ये तो बताओ कि क्या कहते हैं, बोलो जिसको मेरी डांस परफॉर्मेंस अच्छी लगी, मेरे जिसको डांस परफॉर्मेंस अच्छी लगी वो मुझे लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, जिन्हें मेरी डांस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी फिर भी वो लाइक कर दें, नहीं वो कमेंट में बताइएगा। इरीटेटिंग प्रैंक करेंगे पूरे दिन, हम उसे इरीटेट करेंगे, बट आपको ब्लॉग इसलिए देखना है कि हम क्या क्या करेंगे उसके साथ, यह उस ब्लॉग में पता चलेगा होगा, और कौन लड़की है वो भी उस ब्लॉग में पता चलेगा, ये लड़की आपको बताया, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कमेंट में अपने अपनी राय कि इसका डांस कैसा होगा, और उम्मीद आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होते तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को दबाते जाएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, मुझे दें इजाज़त, और ठीक है, तो कल मैं एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी जो काफ़ी अच्छा ब्लॉग होगा, ठीक है, आपको हमारे अगले ब्लॉग में पता चलेगा जो ब्लॉग होएगा जिसका मिलता, हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको कर दिया है, ठीक है,
तो वो भी पे काफी अच्छा आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मैंने आपकी पिक्चर खींची थी ना, मिक्की माउस भी था, ये तो बताओ। वेल डन बोला मिक्की। ठीक है, तो मुझे नहीं इजाजत, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।